बहुत अच्छा, एटम्स के बारे में कल आपका पूरा क्लियर कर दिया हमने ना। अ मॉलिक्यूल इज द कोई भी मॉलिक्यूल, अणु कहते हैं जिसको आप ना, एटम को परमाणु कहते हैं, याद रखिएगा। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सुपरलेटिव डिग्री है याद रखिएगा, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस्टेंस। अपना इधर उधर अपनी मर्जी से जो मूव करते हैं हम बना देते, ठीक है। इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, इनमें आपका नाम सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। अ मॉलिक्यूल कंटेन्स टू और मोर एटम्स, और किसी भी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। दीज एटम्स आर केमिकली बाउंडेड टू टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ आपका नाम केमिकली बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे से आपका बंधे होते हैं। तो अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय ये, और इसी को मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट करते हैं आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिजल्ट के लिए फाइन। अब इसके बाद बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो चीजें होती हैं, टाइप्स और क्लासिफिकेशन। अब आप कंप्यूटर में भी अगर आप जाते हैं तो आपने डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर्स आपने पढ़े होंगे, और क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपने पढ़े होंगे। तो शॉर्ट्स में काइंड्स में वो अलग चीज है और क्लासिफिकेशन अलग चीज है। क्लासिफिकेशन के बाद जो उनसे मिलते जुलते होते हैं वो क्लासिफाइड वर्गीकृत किया जाता है उनका नाम, और जो अलग होते हैं तो कंप्यूटर ही, हाइब्रिड भी कंप्यूटर ही है आपका नाम, एनालॉग भी कंप्यूटर है, डिजिटल, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से लगभग नहीं मिलती है वो आपका टाइप्स में आ गया आपका नाम, और जिनकी मिलती है वो आपका नाम क्लासिफिकेशन आपका, ठीक है ना। तो द एटम्स बाउंडेड टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल कोई भी एटम्स आपके जो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं आपका नाम वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मे बी ऑफ सेम टाइप्स, और वो आपके सेम आपका एक ही प्रकार की भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार की भी हो सकते हैं। इसका मतलब सिंपल से बात है कि नाउ टू टाइप्स ऑफ आपके नाउ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपका नाउ, एक तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरा The second one is known as molecules of compounds. Ah, we are going for the first one. Actually, molecules of elements क्या होते हैं? A molecule of an element, a molecule of element is a compound. This is the compose. ये बातें होते हैं बाय या कंपोज ऑफ, आप लिख सकते हैं टू और मोर देन टू सिमिलर अपना टाइप्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हो गया आपका नाम, जैसे
जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम जैसे Cl2 कहते हैं, क्लोरीन गैस कहते हैं, तो क्लोरीन गैस का मतलब क्या हो गया, Cl का मतलब इज कंपोज ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर अपने ही काइंड के, अपने ही प्रकार के, वो आपका नाम जैसे है। क्लियर हो गया? तो नाउ अ लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू एटॉमिक सिंबल सिग्निफाइज इट केमिकल बॉन्ड। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, लाइन रिप्रेजेंट किया डिनोटेड बाय, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं आपका नाम देखो, टू एटॉमिक सिंबल सिग्निफाइज द केमिकल बॉन्ड्स, यही आपका नाम देखो दिस इज द केमिकल बॉन्ड होता है। श्योर है? क्लियर हो गया आपका नाम देखो? तो यूजुअली मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इज रिटन एज Cl2 आपका हो गया आपका नाम देखो, तो द फॉर्मूला रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट क्लोरीन आपका हो गया, तो क्लोरीन डैश क्लोरीन, इसका मतलब सिंपल है। अगर आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ सर, ये तो एक तो गैस है, तो गैस इसका मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन हैज टू एटम्स। हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखो क्लोरीन, क्लोरीन का देखिएगा बेटे एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप बोर सर के फॉर्मूले से, तो आपका नाम देखो क्या हो जाएगा 271। फर्स्ट सेल में 2 आ गया, सेकंड में आपका 8 आ गया सॉरी, और फिर आपका 7 आ गया। तो 7 वाला आप क्या करता है, गेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कितने हैं 7। एक लेगा तो 7+1 विल बी 8, इसका मतलब सैचुरेटेड हो गया, अब उसकी इच्छा पूरी हो गई है आपका नाम के वजह से, 7+1 8 हो जाएगा। इसके जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 होते हैं वो आपका हमेशा गेन कर दें, इसलिए इसकी नेगेटिव 1 वैलेंसी होती है। इसीलिए देखो क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूसरा टाइप क्लोरीन सेम सिमिलर टाइप ऑफ एटम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ का देखो देखते हैं दे आर डूइंग द पार्टनरशिप ही हुआ आपका नाम 7 इसके पास थे 1 इसने जब इसको जरूरत पड़ी 8 हो गए 7 इसके पास था जब इसको जरूरत पड़ी इसने इससे 1 ले लिया 8 दैट्स व्हाई आपका नाम देखो दिस लाइन रिप्रेजेंट द केमिकल बॉन्ड इज इट क्लियर फाइन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय टू और मोर देन टू सिमिलर टाइप्स ऑफ तो एक ये एग्जांपल मैंने आपको यहां पे इसके बाद आपका एटोमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बहुत अच्छा वर्ड है आपका नाम देखो द नंबर ऑफ एटम्स ये THE के लिए लिखा मैंने द याद रखिएगा ना ऐसा ना हो कि घर जाके आप बताए डी क्या मतलब है THE दिस इज तो द नंबर ऑफ एटम्स विच कॉन्स्टिट्यूट जो बनाते हैं अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बनाते हैं इज कॉल्ड एटोमोसिटी इसको आपका एटोमोसिटी कहते हैं इसका मतलब क्या हो गया द एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम्स क्लियर हो गया जैसे आप एग्जांपल फिर देखें क्लोरीन गैस का देखें क्लोरीन गैस को आप क्या लिखते हैं Cl2 ठीक है इसका मतलब दिस टू इज द एटमोसिटी ऑफ क्लोरीन गैस तो ये टू इसकी हो गई इसका मतलब क्या हो गया क्लोरीन मॉलिक्यूल इस डाई एटॉमिक क्या हो गया डाई एटॉमिक डाई मने दो बाई मने दो होता है इज दैट क्लियर तो ये हो गया आपका नाम फिर मैं इसको जरा आई विल जस्ट देखिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का फिर वर्गीकरण करना क्लासिफिकेशन करना तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स कि नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट का वो क्लासिफाइड होता है एस मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक
और ट्राई एटॉमिक, ये देखिए हमने मैंने इसे दिया। अब मोनो डाई ट्राई टेट्रा क्वाड जिसको हम कहते हैं, ये मैथमेटिक्स में भी हम जनरली आपका नाम पढ़ते हुए आए हैं आपका नाम। द स्पीसीज विच एक्सिस्ट ऐसे स्पीसीज जो एक्सिस्ट करते हैं एंड स्टेबल एटम, एक स्टेबल एटम को आपका नाम इज कॉल्ड इज नोन एज, उसको आपका मोनो एटॉमिक आपका मॉलिक्यूल कहा जाता है। द इनर्ट गैस एक्सिस्ट, इनर्ट गैस होते हैं आपका नाम हमेशा याद रखिएगा वो एग्जिस्ट करती हैं इन द एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म में वो आपका एग्जिस्ट करती है। ये देखो जो ये नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जियॉन आपका नाम, ये सारे आपके नाम, एक तो ए भी जिसको कहते हैं, 18th ए ग्रुप भी कहते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं ये एन आर स्टेबल, और वो आपका हमेशा स्टेबल होते हैं याद रखिएगा आपका नाम। इनर्ट गैस आपका जो आपने बोला हीलियम के नीचे वाला है आपका नाम, नियॉन हो गया आपका नाम, आर्गन हो गया, ये क्रिप्टॉन हो गया, ये सारे यानी कि जो 8th ए या और 18th ए या इनको जीरो ग्रुप भी आपका कहा जाता है याद रखिएगा आपका नाम। तो वी कॉल देम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनको हम मोटो आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपका कहते हैं याद रखिएगा। द सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ए मोनो एटॉम, जैसे मैंने कहा था हीलियम, हीलियम हो गया आपका नाम, हीलियम सारे लास्ट में अगर आप ग्रुप देख रहे हैं आपका नाम, वो कुछ ग्रुप का नाम है 18th नॉर्मल ग्रुप हो गया या 8th आपका नाम है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ओके, मोनो एटॉमिक के बाद आपका नाम देखो डाई एटॉमिक, डन, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब मॉलिक्यूल कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ लिख सकते हैं आपका नाम टू एटम्स, नाउ देखो दिस इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसकी तो पूरी लिस्ट ही आप पढ़ते हुए आप देखो, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस आपका देख रहे हैं, ये देखो ब्रोमीन गैस आपका ना, Br2 आपका ना देखो, आयोडीन गैस आपका, फ्लोरीन गैस आपका ना देखो, आर द एग्जांपल ऑफ द डाई एटॉमिक आपका ना। तो इसका मतलब द एटमोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स आर, इसलिए इनकी आपका नाम ठीक है ना। तो ईच मॉलिक्यूल्स इज कंपोज ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, जैसे क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं आपका देखो ना, ऑक्सीजन को देखो आपका ऐसे लिखते हैं देखिए आपका नाम, हाइड्रोजन को देखो आपका ऐसे लिखते हैं आपका देखो ना, नाइट्रोजन को आपका देखो ऐसे लिखते हैं आपका नाम देखो, जैसे क्लियर हो गया फाइन। मतलब ये जब आप केमिकल बॉन्डिंग की जैसे हम बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग में आप कैसे लिखते हैं, बाकी अभी तो हम क्या कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कह रहे हैं कि एटॉमिक सिटी क्या होती है, एटमोसिटी के बारे में, मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ, ट्राई मने थ्री, डाई मने टू, मोनो मने वन, ट्राई मने आपका नाम देखो दिस इज अ थ्री, तो ट्राई एटॉमिक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग थ्री एटम्स इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है दीदी, इसका मतलब क्या होगा, एग्जांपल अगर आप कहेंगे O3
ओजोन की जो हम बात करते हैं आपका देखो O3 इज ए ट्राई एटोमिक, O3 इज ए ट्राई एटोमिक एलिमेंट, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब था एटमोसिटी ऑफ ओजोन इज 3। क्लियर हो गया? कोई शक है तो बताइएगा। ट्राई एटोमिक हो गया। अब कभी कभी इसमें एक चीज और आता ना, पॉली एटोमिक, पॉली पॉली माने मैनी, सेवरल आपका देखना, ये मैनी होता है आपका मतलब। तो द मॉलिक्यूल्स कंटेन, जो मॉलिक्यूल आपके क्या कंटेन कर रहे होंगे, 4 जैसे आपने कर दिया, 5 आपने कर दिया, 6 आपका नाम जो और मोर आर्क और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉस्फोरस है आपका नाम, ये पॉलीएटॉमिक है आपका नाम जो एस पी 4 आपका देखो आ टेट्राएटॉमिक हो गया आपका नाम, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। S8 सल्फर, इसे ये क्या हो गया, ऑक्टा एटॉमिक आपका नाम बदल। क्वाड मैथमेटिक्स में कहते हैं, पुराने टाइम पे क्वाड कहते थे, अब टेट्रा कहते हैं। ट्राई कहते हैं उसको, कंफ्यूज रहे, कंफ्यूज हो रही है आप, कंफ्यूज ना हो। S8 आपका ऑक्टा एटॉमिक हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल किसका, सल्फर, ठीक है ना, क्लियर। इसी के बाद दिस इज गेट या जेन आपका नाम, दिस गेट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, द मेटालिक एलिमेंट एक्सिस्ट, आपका नाम कुछ आपके मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं एक्सिस्ट कैसे, क्लस्टर कहते हैं, CLUSTR, देखो जो क्लस्टर बनाते हैं ऑफ एटम्स, आर्क ऑर्ड गेट मॉलिक्यूल्स, और इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन मैक्रो, ये देखिए आपका नाम भी दूसरे। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक एलिमेंट होती है आर बेस्ड ऑन द नेचर, ये जो आपका जो कह रहे हैं मेटालिक आपका एलिमेंट है, देखो आपका नाम देखो, ये आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ये नेचर ऑफ बॉन्ड्स पे कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड्स, इनको आपका नाम मेटालिक बॉन्ड्स आपका कहा जाता है, आपका याद रखिएगा। ये दिस इज सब्सटेंस डिपेंड ऑन द अपॉन इट्स मॉस, ये मॉस पे डिपेंड करता है, देखो डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन मॉस आप लिख सकते हैं इसको, देखो MASS This is what you know. It has been found conveniently to represent these substances by their atomic symbols. इनके atomic symbols से आपका इनको use करते हैं। जैसे example की अगर आप बात करेंगे, तो now fluorine, FULLERENE, fluorine, carbon 60. 1985 में पहले carbon के दो ही एलोट्रॉप्स होते थे, डायमंड और ग्रेफाइट, तीसरा एक और आपका फाइंड आउट किया गया उसका एलोट्रॉप्स जिसका नाम फ्लोरीन था, इनको आपका नाम बकमिंस्टर फुलर जो अमेरिकन आर्किटेक्ट थे उन्होंने इसको अपने नाम पे दिया, मोलर मॉस फ्लोरीन का 720 इसका
मोलर मॉस ऑफ फ्लोरीन इसका 720 मोलर मॉस होता है इसका, याद रखिए ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होता है, याद रखिएगा आपका नाम बता दिस इज इट क्लियर। तो ये था C60, ये आपका गेट मॉलिक्यूल्स था, इज इट क्लियर फाइन। तो देखिएगा ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, देखिए आपका अब डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें भी आपको दो चीजें बताऊंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट आपका बताएंगे और आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आपको बताएंगे। तो ना द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप एंड एक्चुअल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम्स ये देखिए आपका नाम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम्स। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल आप जब बन रहा है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ उसके कितने एटम्स हैं उनके टाइप्स को रिप्रेजेंट करना ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। अब जैसे इसमें आपका नाम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट आता है, आपका एलिमेंट MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ गए, मदर फादर नहीं है वहां। तो नाउ द नोटेशन ऑफ इंडिकेट करना जिसको आप कहते हैं द नोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप इंडिकेट करते हैं आपका देखो ना ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के तो ना इस कॉल उसको आपका क्या कहते हैं एक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कहते हैं आपका नाम को जैसे ऑक्सीजन O2 आपने एग्जाम्पल ले लिया The two O atom are it. The two, देख रहे हैं the two atoms O2. वैसे इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के दो एटम हो गए आपका ना, ठीक है ना। तो two O atom लिख देता हूं। O का मतलब यहां पे आपका क्या हो गया ऑक्सीजन, R यूनाइटेड टूगेदर आपका नाम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है बाय द फोर्स कॉन्ड केमिकल बॉन्ड आपका नाम एंड रिप्रेजेंटेड बाय ओ डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया आपका नाम दस ठीक हो गया समझ गए O2 है आपका नाम O2। अब अगर आपने कह दिया देखो ये 2O अगर आपने ऐसे लिख दिया आपका नाम इसका मतलब क्या हुआ कि ना द नोटेशन 2O ये जो आप लिख रहे हैं रिप्रेजेंट टू फ्री देखो टू फ्री O एटम्स ये मतलब हुआ आपका नाम बट द नोटेशन आप समझ गए क्लियर हो गया। तो ना इसका मतलब अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली टू टाइप ऑफ एटम्स, टू टाइप्स ऑफ एटम, द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन बाय इंडिकेटिंग इट्स एटमोसिटी आपका देखो ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो आपका था आप क्या लिखते हैं O2, ये क्या बताता है दिस टेल्स दैट कि नाउ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कंपोज बाय टू ऑक्सीजन एटम क्लियर है। अ नंबर रिटर्न देखो कि अगर ये पहले लिखा जाएगा अब इसमें अगर आपके दिमाग में अभी घुसा नहीं आपका देखो ना तो देखो फर्स्ट अ नंबर रिटर्न प्रियोर मतलब आगे की तरफ अगर आपका लिखा जाएगा
टू ए सिंबल, किसी भी सिंबल से आगे अगर लिखा जाएगा, जैसे मैंने टू को लिखा था आपका रंग, तो टेल्स द, ये आपको बताता है द नंबर ऑफ सेपरेट एटम, ये बताता है आपको। अगर अ नंबर ऑफ अगर अ नंबर रिटर्न प्रियर टू द फॉर्मूला लाइक, अगर आपका ऐसे हो गया देखो 3O2, ये देखो इसका मतलब तीन मॉलिक्यूल के 3 2 6 एटम हो गया आपका नंबर। टेस्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया आपका नंबर। देखो अ नंबर रिटर्न प्रियर टू ए सिंबल आपका नाम देखो देखिए ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉटम, राइट साइड ऑफ द बॉटम, ये देखिए आपका नाम ऐसे लिखा जाए तो ये आपका नाम क्या बताएगा। टेस्ट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है आपका नाम देखो दिस, और यही आपका नाम। इट ऑल्सो टेल्स द एटमोसिटी, और यही आपका नाम एटमोसिटी भी आपका बताता है। तो तीनों चीजें देख लीजिए, अगर ओ होगा तो क्या होगा, टेल्स द नंबर ऑफ सेपरेट एटम्स बताएगा आपका नाम, अगर ऐसे होगा आपका नाम तो ये बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, अगर ये राइट साइड में होगा द नंबर रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ बॉटम ऑफ द सिंबल, बॉटम ऑफ द सिंबल, तो टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कंपोज्ड, जो बना होता है ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट नाउ एलिमेंट्स, बल्कि टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं ना तो वॉटर, ठीक है, ये देखो इट इज कंपोज बाय टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ आपका क्या होगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस आप ट्राई एटॉमिक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल H2 आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 3, इज 3। क्लियर हो गया। और द मॉलिक्यूल ऑफ केन शुगर, हैव यू कई नाम सुना आपने केन शुगर, नहीं सुना, अरे बाप रे बाप, सुबह सुबह चाय बनाते हैं आपके घर में, चाय में सफेद सफेद छोटे छोटे क्रिस्टल डालते हैं, क्या होता है शुगर, वो शुगर किससे निकलती है, गन्ने से, एंड दैट गन्ना इज नोन एज योर केन शुगर। द मॉलिक्यूल ऑफ केन शुगर इज कंपोज ऑफ द एटम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, उसमें आपका क्या क्या होता है, दिस इज अ कार्बन, उसमें आपका क्या होता है हाइड्रोजन, और उसमें आपका क्या होता है ऑक्सीजन। चीनी तो बड़ी जल्दी कहते हैं आप लोग, जरा चीनी लिया ना कल से दुकानदार के पास जाना कहना C12H22O11 दे दो, और वो कहिए क्या होता है, बोला पहले केमिस्ट्री पढ़ करके आओ फिर पता लगेगा। तो दैट इज द शुगर केन आपका हो गया, इज इट क्लियर। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड्स में आ गया, इसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एग्जांपल वही आएगा। MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि द नोटेशन
ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को शो करना, डिनोट करना या उसके नोटेशन को ही आपका क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स टू, द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ भी लिख सकते हैं आपका याद रखेगा, या कंटेन्स जो भी आप लिखें, कंटेन्स एटम्स ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? जैसे फिर वही एग्जांपल, एग्जांपल क्योंकि वाटर का जनरली एग्जांपल क्यों लिया जाता है, व्हाई, बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सुबह से लेकर रात तक पानी ही चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H2O। इट टेल्स दैट कि द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कंपोज्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मींस टू एटम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इट इज गोइंग टू बी कंबाइंड विद वन एटम ऑफ। वैसे तो मैंने कल आपको क्लियर कर दिया कि आपका देखो कि ये जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन देखो कैसे करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इनको बैलेंस करने के लिए इसको देखो, ये आपका टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, टू टू जा फोर एटम हो गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज टू एटम, देन इट विल मेक अ टू वॉल्यूम टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया आपका। इट इज क्लियर? अब यहाँ पे इसका मतलब जो वाटर है आपका नाम क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें जो है देयर आर एटम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड, अब देखिए कौन-कौन से, कौन के, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन क्या है, टू टाइप्स ऑफ एटम एलिमेंट्स, इसको क्या कहते हैं पता है, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी, BINARY, आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, जीरो और वन। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो जीरो इंडिकेट, और जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो वन। उसी में जैसे आप कंप्यूटर में लिखते हैं आपने 60, सपोज के लिए तो एग्जांपल की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि 65 जैसे आपने लिखा, जब आप कीबोर्ड में 65 को पंच करते हैं आपको उसकी स्क्रीन पे आपका दिखाई देता है 65, उससे पहले वो उसको मशीन लैंग्वेज में, हाई लैंग्वेज में प्रोसेस करता है, जिसको आपका ASCII कोड्स कहते हैं। हो सकता है 65 को मशीन लैंग्वेज में लिखने के लिए 01100, अब इसका क्या होता है, 65 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, उन रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ कलेक्ट किया जाता है, तब उसको आपका ASCII कोड्स आपका कहा जाता है, या बाइनरी डिजिट्स आपका कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जिनको आप कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया, बाइनरी की बात मैंने की थी, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो वाटर है, वाटर क्या हो गया, ये जिस आप वाटर को आप देख रहे हैं ये आपका देखो ना, इट इज द बाइनरी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज टू एटम ऑफ, देखिए एटम ऑफ हाइड्रोजन और प्लस देखो एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये इज इक्वल टू 2+1=3, तो 3 का मतलब ट्राई एटॉमिक हो गया। बाइनरी का मतलब बाई माने 2, मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिल करके आपका बन रहा है, तो दैट इज द बाइनरी। तो व्हेन यू आर गोइंग टू बी कंबाइंड एंड यू आर लुकिंग द वाटर मॉलिक्यूल H2O, दैट इज द बाइनरी ट्राई एटॉमिक एलिमेंट। श्योर हो गया, क्लियर हो गया? तो नाउ देखो दिस इज़ द